क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन में। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास के ऊपर, तो आज का पाइथन क्लास के जो होगा वो मॉड्यूल के ऊपर। ठीक है, तो मॉड्यूल क्या है, मैं पहले तुम लोग को दो तीन बातें बोल दूँ। ये मॉड्यूल क्या होता है, एक्चुअली मॉड्यूल इज नथिंग बट ए कोड लाइब्रेरी। तुम इसको एज ए कोड लाइब्रेरी की तरह समझ सकते हो, मतलब इट्स काइंड इट इज अ फाइल दैट कंटेनिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस दैट यू वांट टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन। अच्छा, ये अभी देखो, मतलब कुछ फंक्शंस होता है, जो फंक्शन एक फाइल में तुम्हारा रखा जाएगा, और जब भी उन फंक्शंस का जरूरत पड़ेगा उस फाइल को हम लोग इंपोर्ट करेंगे एज ए मॉड्यूल। और इंपोर्ट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा चलो, ये तो चीज बातों को बोलने से बेहतर होगा मैं डायरेक्ट तुम लोग को प्रैक्टिकल चीज को समझाऊं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना जो पाइचार्म एप्लीकेशन इसको लॉन्च करके रखा है, और यहाँ पे अभी हम लोग मॉड्यूल को समझेंगे। तो मॉड्यूल को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं। मैं देखो, पहले तो हम लोग ये मॉड्यूल क्या है, ये एक तरह से फाइल है, दूसरा कुछ नहीं, ये एक फाइल है जो कि तुम्हारा सेट ऑफ फंक्शंस यहाँ पे होगा। ठीक है, या तो यहाँ पे तुम्हारा वेरिएबल्स होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक मॉड्यूल में क्रिएट करता हूँ। तो मॉड्यूल कैसे क्रिएट करना है, देखो मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए जस्ट वही एक सिंपल सा तुम डॉट पाई एक्सटेंशन से एक फाइल नया फाइल क्रिएट कर लो। तो ये तो पता है हम लोग को, तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ। चलो समझ लो इसी में से कोई एक फाइल में ले लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा ये सब कुछ छोड़ो, मैं यहाँ पे चलो यहीं से मैं करता हूँ, मैं एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इस तरह से मैं एक नया फाइल क्रिएट कर लेना, पाइथन फाइल क्रिएट करना। ठीक है, और उसका एक्सटेंशन हमेशा डॉट पाई होगा, हालांकि मैंने यहाँ पे इसका टाइप पाइथन ही लिया है, तो ऑटोमेटिक डॉट पाई आ जाएगा। एंड मैं इस फाइल का नाम लेता हूँ, क्या नाम दूँ मैं, जैसे चलो तो डेटा दे दिया मैंने। ठीक है, ओके कर दिया मैंने, तो डेटा डॉट पाई, डेटा डॉट टी एक्स टी नहीं, डेटा डॉट पाई ये वाला है। ठीक है, एंड डेटा डॉट पाई, चलो तो ये जो है, अभी हम लोग ये जो डेटा डॉट पाई फाइल है इसको एज ए मॉड्यूल यूज करेंगे। ठीक है, तो अच्छा चलो, पहले मैं ये जो डेटा डॉट पाई फाइल है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ फंक्शन हम लोग बना लेते हैं। एंड फिलहाल मैं एक ही फंक्शन बनाता हूँ, पहले तो ये मॉड्यूल क्या है तुमको समझा रहा है मुझे। तो फंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तुमको पता है डेफ कीवर्ड लिखना पड़ता है, उसके बाद फंक्शन का नेम। जैसे मैंने फंक्शन का नेम दे दिया शो, एंड फंक्शन को हम लोग यहाँ पे इसका फंक्शन का बॉडी में, जैसे मैं कुछ नहीं करूंगा, जस्ट सिंपली एक मैं प्रिंट कर दूंगा, और प्रिंट में क्या करूँ, प्रिंट में कर दूँ यहाँ पे, जैसे मैंने जो वेरिएबल यहाँ से पास होगा उसी को मैं प्रिंट कर दूंगा। तो समझो कि मैंने यहाँ पे पास कर दिया, क्या पास करूं मैं यहाँ पे, कुछ भी लिख दो, मैंने एक्स लिख दिया, और उसी को मुझे प्रिंट कर देना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, फाइन। तो ये एक पाइथन फाइल है जहाँ पे एक फंक्शन है। ठीक है, समझ लो अभी ये सिंपल चीज है, एक पाइथन फाइल एक फंक्शन है। तो वही जैसे मैंने बोला था, मॉड्यूल क्या है, एक फाइल है, एक फाइल है कंटेनिंग फंक्शन, जो कि फंक्शन कंटेन कर रहा है। यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है, हो सकता है यहाँ के और भी फंक्शन हो, फिलहाल मैं एक ही फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी जो है हम लोग अपना खुद का मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं। अभी हम लोग कोई दूसरा फाइल में चलते हैं, जैसे मैं ये टेस्ट डॉट पाई फाइल है, यहाँ पे आते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे अभी कोडिंग करेंगे, तो ये यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन बिल्ड, इसी फाइल पे मैं अपना पाइथन का एप्लीकेशन बनाऊंगा। लेकिन ये इस फाइल में जब मैं अपना पाइथन का एप्लीकेशन को बनाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि ये इसमें जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल कौन सा है, ये डेटा, अभी डेटा डॉट पाई एक पाइथन फाइल हो गया, इसी को हम लोग एज ए मॉड्यूल मॉड्यूल यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो फंक्शन है, जैसे शो फंक्शन, इसको मुझे क्या क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। तो ये जो शो फंक्शन है कहाँ पे है, ये डाटा पाई, डाटा डॉट पाई फाइल पे है, जो कि एक मॉड्यूल है। ठीक है, और इसी फंक्शन को मुझे अपना एप्लीकेशन पे यूज करना है। चलो मैं करके दिखाता हूँ सबसे पहले। अच्छा, तो यहाँ पे अभी मॉड्यूल जो है उसको मुझे इम्पोर्ट करना है अपना एप्लीकेशन पे। तो मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कीबोर्ड, कीबोर्ड यूज करते हैं इम्पोर्ट। ठीक है, उसके बाद जो भी मॉड्यूल को तुमको इंपोर्ट करना है, उस मॉड्यूल का नेम, मॉड्यूल मतलब वही, मॉड्यूल मतलब वही वो जो पाइथन फाइल है उसी का बात हो रहा है, जहाँ पे तुम्हारा कोई पहले से बना हुआ कुछ फंक्शन है। तो यहाँ पे मैंने मैंने किसको एज ए मॉड्यूल यूज करना है, मुझे डेटा फाइल को, डेटा को मुझे एज ए मॉड्यूल यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट डेटा। तो ये होता है किसी भी मॉड्यूल को अपना एप्लीकेशन में इंपोर्ट करने का तरीका। मॉड्यूल को अपना एप्लीकेशन में जब तुम इंपोर्ट कर लोगे, इसका बेनिफिट क्या होगा, इससे ये होगा कि इस मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शन है, जो भी वेरिएबल्स है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर पाएंगे, इसका यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को ये मॉड्यूल में जो भी फंक्शन है उसको यहाँ पे यूज करना, कैसे करना, मैं वो दिखा दूँ। अच्छा तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि
ये जो है इसमें कौन सा फंक्शन है, शो फंक्शन। शो फंक्शन को मुझे यहाँ पे यूज करना है, तो मैं कैसे करूंगा? देखो शो फंक्शन तो मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं किया, मैंने इसको यहाँ पे बनाया है, लेकिन मुझे इसको यूज करना है कहाँ पे कॉल करना है, यहाँ पे। तो कैसे करूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, जब भी किसी भी मॉड्यूल का कोई भी फंक्शन को मुझे यूज करना होता है अपने एप्लीकेशन में, तो पहले उस मॉड्यूल का नेम देना पड़ेगा। मॉड्यूल का नेम क्या है? डाटा। उसके बाद डॉट देना होगा, और देखो डॉट देते ही यहाँ पे आ गया तुमको। देखो यहाँ पे मैंने डॉट दिया तो ये शो कर दिया, तो उसके अंदर जो भी मेंबर है, मतलब जो भी फंक्शन है, उसका नाम यहाँ पे शो कर रहा है, बस एंटर प्रेस कर दो। तो इसका मतलब क्या है, मैं ये जो है इस मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अच्छा, तो हालांकि यहाँ पे जो शो फंक्शन है इसको तुम लोग को पता है, मैंने पहले समझाया था, यहाँ पे अगर भी एक पैरामीटर है तो इसके लिए मुझे एक वैल्यू पास करना होगा, तो कुछ भी पास कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे एक नेम पास कर दिया, मैंने दे दिया राजू, पास कर दिया, चलो ठीक है। तो होगा क्या, देखो अभी मैं इसको रन करता हूँ, अभी मैं इस एप्लीकेशन को सिंपली रन करता हूँ, तो देखता हूँ क्या होता है रन करने से। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा और मैं रन टेस्ट कर रहा हूँ। देखो रन टेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो राजू प्रिंट हो रहा है। अभी तुम देखो, मैंने तो यहाँ पे कहीं पे भी प्रिंट फंक्शन यूज नहीं किया अपना एप्लीकेशन पे, टेस्ट डॉट पाई पे मैंने कहीं पे भी प्रिंट फंक्शन यूज नहीं किया, लेकिन प्रिंट तो हो जा रहा है। ये राजू प्रिंट हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो प्रिंट करने का काम है वो फंक्शन कर रहा है, और मैंने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, और फंक्शन को जब मैंने कॉल किया, ये मैंने वैल्यू पास कर दिया, तो वैल्यू यहाँ पे आया, वो प्रिंट हो गया, तो ये तुमको शो कर रहा है। तो हुआ क्या, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शन है वो अपना एप्लीकेशन पे उसको यूज कर रहा है। तो यही होता है मॉड्यूल। मॉड्यूल इज नथिंग बट ए कोड लाइब्रेरी, और इट इज अ फाइल कंटेनिंग सेट ऑफ फंक्शन दैट वी वांट, इफ यू वांट टू इंक्लूड दोज फंक्शंस इन आवर एप्लीकेशन, यू हैव टू सिंपली इंपोर्ट द मॉड्यूल। ओके, तो मैंने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, और मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए लिखना पड़ता है क्या कीबोर्ड, व्हाट इज द कीबोर्ड इज यूज्ड, इंपोर्ट कीबोर्ड। ओके, एंड देन द मॉड्यूल नेम। ओके फाइन, ठीक है, तो आई थिंक तुम लोग समझ में आ चुका होगा। तो अच्छा, अभी जैसे यहाँ पे फंक्शन मल्टीपल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही फंक्शन हो। ये मॉड्यूल जो है ये तो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर तुमको जितना चाहे फंक्शन बिल्ड करके रखो, ठीक है। होता ये है कि तुम चाहते हो कि तुम कभी कभी ऐसा होता है कि देखो बिल्ट इन मॉड्यूल भी होता है, लाइब्रेरी भी, मतलब सिस्टम बिल्ड मॉड्यूल भी होता है, उसमें अभी नहीं जा रहे हम लोग, अभी हम लोग जो यूजर डिफाइंड मॉड्यूल उसका बात कर रहे हैं। तो तुम मॉड्यूल क्यों क्रिएट करोगे, ये भी एक सवाल है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि तुमको कुछ सेट ऑफ फंक्शंस, तुमको क्या होता है कि बार बार तुम्हारा अलग अलग एप्लीकेशन में उसको तुमको यूज करने का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। तो तुम एक काम करो, उन सेट ऑफ फंक्शंस का एक मॉड्यूल बना लो, और जब भी जिस भी एप्लीकेशन में तुमको उन सेट ऑफ फंक्शंस को यूज करना है उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दो, बार बार उन फंक्शंस को तुमको डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। एक तुम्हारा एडवांटेज इसका मॉड्यूल का, ठीक है। फिर यही नहीं, ये तो हम लोग बना रहे हैं, ऐसे बहुत सारा बना बनाया मॉड्यूल से जो हम लोग अपना प्रोग्रामिंग में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट उसको यूज करते रहते हैं, ठीक है, रियल टाइम में। तो ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि ये तुम्हारा इसमें मल्टीपल फंक्शंस हो, जैसे मैंने ये एक फंक्शन बनाया, मैं यहाँ पे और भी फंक्शन बना सकता हूँ, जैसे मैंने ये कर दिया समझ लो, और मैंने चलो इसका नाम दे दिया शाम। तो मैंने और एक फंक्शन बना दिया मॉड्यूल के अंदर जो क्या करता है कि दो नंबर को क्या करता है, एड करने का काम करता है। तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, एक वेरिएबल मैंने लिया, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया ए, और यहाँ पे मैं इनपुट फंक्शन को कॉल करते हैं। देखो मैं यहाँ पे जस्ट फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, ऐसे अभी मॉड्यूल का काम बाद में आएगा। तो मैं यूजर से कुछ वैल्यू लूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा एंटर ए नंबर, ठीक है, एंटर द फर्स्ट नंबर, इस तरह से ए की जगह पे मैंने लिख दिया फर्स्ट नंबर, एंड देन मैं इसको क्या करूंगा, इंट में कन्वर्ट कर दूंगा, ताकि ये जो है नंबर स्ट्रिंग में आएगा तो वो इंट में कन्वर्ट होते हुए यहाँ पे, ओ मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मैं एक्चुअली जावा स्क्रिप्ट का जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे डायरेक्ट बाहर लिखने से हो जाएगा, या तो यहाँ पे मतलब वेरिएबल का नाम डायरेक्ट टाइप कर दो, यहाँ पे आगे बाहर वर्क कुछ लिखा नहीं है, तो मेरा वो हैबिट हो गया ना, इसलिए इधर उधर हो जाता है मेरा। तो यहाँ पे हाँ, अभी इसको मैं नाम, चलो मैं इसको नाम वन करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको नाम वन कर दिया, एंड फिर मैं यहाँ पे करता हूँ इसी चीज़ को मैं रिपीट करते हुए, तो यहाँ पे मैं इसको इसको रिपीट करते हुए मैं इसको नाम टू कर दिया मैंने, एंड मैंने और एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट, रिजल्ट जहाँ पे मैंने क्या किया नम वन क्या हम लिख दिया मैंने इसको नम वन प्लस नम टू कर दिया, ठीक है। एंड ये जो रिजल्ट है मैं इसको कर दिया रिटर्न, तो उनको पता है रिटर्न करने से क्या होता है, तो मैंने इसको कर दिया रिटर्न, रिजल्ट को मैंने क्या कर दिया रिटर्न, ठीक है। चलो ये मैंने और एक फंक्शन बना लिया, अभी इसमें कोई पैरामीटर देने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने और एक फंक्शन बनाया जो क्या करता है, जो कि दो नंबर को क्या करता है, ऐड करता है, ठीक है। तो तुम चाहे तो यहाँ पे इसको रिटर्न कर दो, या तो डायरेक्ट यहीं पे उसको रिजल्ट को प्रिंट कर दो, जरूरत नहीं है रिटर्न करने का, नहीं तो फिर से उधर से मुझे प्रिंट करना पड़ेगा, मैं यहीं से सब काम चला दूंगा मैं चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट कर दिया प्रिंट, जो रिजल्ट जो उसको मैंने यहीं पर प्रिंट कर दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे मेरे पास एक ये फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ये हो गया, तो मैं चलो ये जो फंक्शन है बस वही काम रिपीट कर रहा हूँ कि मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शन है उसको मुझे अपना एप्लीकेशन में यूज करना। अभी इस मॉड्यूल के अंदर दो दो फंक्शन हो गया, मैं चाहता हूँ कि सम जो फंक्शन है इसको अपना मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करूँ, तो कैसे करूँ? तो इसको मैं ये फिलहाल यहाँ से हटाता हूँ। देखो बिना इंपोर्ट किए तुम ये काम नहीं कर पाओगे, अगर मैंने समझ लो। अच्छा पहले मैं एक बार दिखा दो, तो किसी मॉड्यूल के अंदर फंक्शन का अगर इंपोर्ट करना है तो मॉड्यूल का नेम डॉट, देखो अभी दो दो आ रहा है, देखा ना अभी सम यहाँ पे लिस्ट में आ रहा है, तो मुझे इस बार सम को कॉल करना है। मैं सम को मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है, बस इतना सही काम है। अच्छा मैं अभी इस एप्लीकेशन को रन करूंगा। देखो जो भी यहाँ पे मुझे अभी कुछ लिखना नहीं है। देखो इससे क्या होता है, फायदा क्या होता है तुम्हारा, एक तो फायदा तुमको बोल ही दिया मैंने, सेकंड फायदा क्या है कि तुम्हारा जो एप्लीकेशन है उसमें तुमको तुम्हारा जो एप्लीकेशन का जो यहाँ पे अगर समझ लो यहाँ पे कितना मैंने लाइन लिखा, यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारा 5 to 6 लाइन्स हो गया, तो ये 5 to 6 लाइन्स अगर तुमको दो नंबर एड करने का 5 to 6 लाइन्स तुमको यहाँ पे लिखना होता तो आपने तुम्हारा जो एप्लीकेशन हो वो तो बहुत लंबा हो जाता, उसमें बड़ा कोडिंग तुम्हारा बहुत लंबा हो जाता, ठीक है, लाइन ऑफ कोड बहुत ज्यादा होता तुम्हारा, तो तुम एक तरह से तुम्हारा एप्लीकेशन का जो लाइन ऑफ कोड है उसको भी तुम कम कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा डेवलपमेंट जो टाइम है थोड़ा सा मतलब एप्लीकेशन डेवलपमेंट डेवलप करने का जो समय हो थोड़ा कम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी ये कोड पहले से ही लिखा हुआ है, बस उसको कॉल कर दो, दो नंबर का एड काम कर देगा वो डायरेक्ट। तो मैंने ये सम फंक्शन को कॉल किया, चलो एप्लीकेशन को रन करते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी बोल रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने बोला 12, सेकंड नंबर 33, देखो ये सही रिजल्ट दिखा रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ कोड किया ही नहीं, मैंने कोड कहाँ पे किया, मॉड्यूल पे किया, मॉड्यूल के अंदर फंक्शन पे किया, बस यहाँ पे मैंने मॉड्यूल के अंदर उस फंक्शन को कॉल कर दिया और जो भी तुम्हारा है वहाँ पे तुम्हारा इस पे आके इसमें एक्सेस मतलब इसमें वो सब अवेलेबल हो गया, ठीक है। तो ये होता है बात, अगर तुम इसको इंपोर्ट नहीं करोगे, देखो मैंने समझ लो मॉड्यूल का इंपोर्ट नहीं किया और अगर इसमें रन करूँ तो देखो यहाँ पे तो समझ में आ ही रहा है डायरेक्ट इरोर, ये रेड मार्क आ गया, मतलब ये इरोर है। तो मॉड्यूल के अंदर फंक्शन को इंपोर्ट यूज करना है तो पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने का मतलब यही है कि उसके अंदर जो भी मेंबर्स है ये सब मेंबर यहाँ पे एक्सेसिबल है, यहाँ पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक तुम लोग को इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट क्या है। चलो मॉड्यूल के अंदर फंक्शन के अलावा क्या हो सकता है तुम्हारा, मॉड्यूल के अंदर फंक्शन के अलावा तुम्हारा क्या हो सकता है, उसमें वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल इन द सेंस एरे हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, बहुत सारा ट्यूपल ये सब लिस्ट पता है तुम लोग को मैंने किया है, तो ये सब हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने डिक्शनरी का नाम दे दिया सपोज स्टूडेंट, ठीक है, मैंने डिक्शनरी का नाम दे दिया स्टूडेंट, और यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट करने का ये सिंबल है, यू नो दिस। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने स्टूडेंट का नेम दिया, पहला जो उसका की वैल्यू प्यार होगा, और नेम मैंने रखा, मैंने क्या दूँ, मैं नेम में मैंने दे दिया, नेम में मैंने दिया चलो रोहन कर दिया इसको, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उसका एज दे दिया, सेकेंड जो यहाँ पे तुम्हारा उसका एज कर दिया, एज में मैंने दे दिया 23। इस तरह से तुम मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो, ये तो पता है डिक्शनरी का खेल हो रहा है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे दे दिया एड्रेस, ठीक है, एंड एड्रेस, इसके बाद मैं एड्रेस कुछ भी दे दो तुम यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया एड्रेस, मैंने दे दिया डेली, चलो चलो डेली मैं गुवाहाटी देता हूँ, हम लोग गुवाहाटी से हैं, तो यहाँ पे मैंने गुवाहाटी कर दिया, चलो ठीक है। अभी वाह ये तो मैंने यहाँ पे एक क्या बना दिया, एक मैंने डिक्शनरी वेरिएबल बना दिया, ठीक है। चलो ये किसके अंदर है, ये मॉड्यूल के अंदर है, देखो ये डाटा डॉट पाई के अंदर है। मैं जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने उस वेरिएबल को क्रिएट नहीं किया, मैंने कहाँ पे डिक्लेयर किया इसको, यहाँ पे किया। चलो अभी मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो डिक्शनरी है इसको मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है, मॉड्यूल के अंदर जो डिक्शनरी है उसको मुझे यहाँ पे यूज करना है, एक्सेस करना है, तो कैसे करूंगा? हालांकि मैंने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया तो एक्सेस करना अभी कोई बड़ा बात नहीं है, जस्ट वही मॉड्यूल का नेम डॉट, मॉड्यूल का नेम उसके बाद डॉट, देखो अभी यहाँ पे स्टूडेंट शो हो रहा है, देख रहे हो ना, तो बस स्टूडेंट में क्लिक करो। मैं चाहता हूँ कि उस स्टूडेंट के अंदर कौन सा, ओनली स्टूडेंट का मुझे नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ओनली स्टूडेंट का मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो जो नेम है मतलब की जो है की का नेम यहाँ पे पास कर दूंगा। की कौन सा है, ये की हो गया, ये की हो गया नेम, पहला वाला की, उसके बाद वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, इस तरह से की वैल्यू प्यार होता है यहाँ पे, ठीक है, डिक्शनरी पे। तो ठीक है, तो होगा क्या, इसमें जो भी वैल्यू है वो आ जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। अच्छा जो वैल्यू है वो तो कहीं ना कहीं मुझे स्टोर करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे, चलो मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया, समझ लो वेरिएबल का नाम क्या दूं, मैंने नेम ही कर दिया वेरिएबल का नेम, ठीक है। तो नेम वेरिएबल में आके वो जो वैल्यू है, कौन सा वैल्यू, ये वैल्यू आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से उस वेरिएबल का वो जो डिक्शनरी है उसका मैंने नेम में जो भी वैल्यू उसको मैंने एक्सेस किया और उसको मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया, और फाइनली मैं उसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो प्रिंट में करूँगा कैसे, ये से प्रिंट कर दिया मैंने, बस सिंपली प्रिंट नेम कर दिया, ठीक है। तो चलो अभी हो गया, इसको भी फिलहाल मैं अभी यहाँ से डिलीट करता हूँ, नहीं तो बार बार ये तुम्हारा कॉल होगा और वहाँ पे ये एंटर नंबर करना पड़ेगा मुझे,
तो फिलहाल मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। देखो यहाँ पे ये रोहन प्रिंट हो गया, समझ में आ रहा है? तो रोहन कहाँ पे है? रोहन तो यहाँ पे है ना, मॉड्यूल पे है, मॉड्यूल के अंदर एक डिक्शनरी है उसमें है रोहन है। तो मैंने क्या किया, अपना एप्लीकेशन पे उस मॉड्यूल के अंदर जो भी डिक्शनरी है उसका जो नेम वाला जो वैल्यू है, नेम का जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे गेट कर, मतलब एक्सेस किया। तो मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ तुम लोगों को, ये मॉड्यूल इज नथिंग बट ए फाइल, पाइथन फाइल, एक पाइथन फाइल होता है जहाँ पे क्या होता है, बना बनाया फंक्शंस होता है, वेरिएबल होता है, और जिसको तुम अपना एप्लीकेशन में जब चाहे अगर इंपोर्ट करने के बाद जहाँ पे भी तुम उसको यूज कर सकते हो। बस यही कॉन्सेप्ट है मॉड्यूल का। अभी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ हम लोग और दो तीन बातें डिस्कस करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे तो ये समझ में आ चुका है हम लोग को, अभी मॉड्यूल को हम लोग क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। रीनेम मतलब क्या है कि ऐसा बात नहीं कि इस फाइल का रीनेम कर देंगे, वो जरूरी नहीं है यहाँ पे रीनेम करना, लेकिन जब भी हम लोग किसी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते हैं, तो फिलहाल मैं यहाँ पे ये सबको डिलीट करता हूँ। मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट किया, क्या मॉड्यूल का नेम क्या है, डाटा, लेकिन इसका मैं नेम थोड़ा चेंज करते हुए इसका नेम को चेंज करते हुए मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। कैसे, जैसे मैंने लिखा इंपोर्ट डाटा, उसके बाद उसके लिए मुझे लिखना होगा एज कीबोर्ड देना होगा, और उसके बाद मैंने दे दिया समझ लो डी कर दिया, दैट्स ऑल, एंटर, कुछ भी लिख दो, यहाँ पे मैंने डी लिख दिया। तो इसका मतलब यह है कि जो मॉड्यूल डाटा है उसको मैंने इंपोर्ट किया और उसका नेम को मैंने चेंज कर दिया, डी कर दिया, मतलब अभी डी का मतलब क्या है, डाटा है, ठीक है। तो अभी जब भी मैं इस मॉड्यूल के अंदर किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है, तो इस बार मैं डाटा नहीं डी यूज करूंगा, क्योंकि मैंने इसका नेम चेंज कर दिया ना। तो ये मैं यहाँ पे की तरह इसको कर दिया डी, ठीक है। तो डी डॉट, देखो डी डॉट करते ही अभी वो तीनों यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं, साम, ये जो भी हो, मैं चलो शो को कॉल करता हूँ, मैंने यहाँ पे पास कर दिया, समझ लो अब्दुल पास कर दिया, ठीक है अब्दुल। तो देखो अभी एक्सेस होता है कि नहीं, देखते हैं हम लोग यहाँ पे रन करते हुए। तो ये देखो अब्दुल प्रिंट हो रहा है, मतलब प्रिंट तो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना, ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ये हो गया, तो मैंने उसको नेम चेंज करते हुए मैंने उसको इंपोर्ट किया। जरूरी नहीं है कि नेम चेंज करना ही है, तुम्हारा मर्जी है, चाहे तो कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, जो मॉड्यूल का नेम होता है बहुत लंबा होता है, समझ लो, ठीक है, समझ लो मॉड्यूल का नेम, समझ लो यहाँ पे बहुत एक लंबा नेम है, तो तुमको उसको याद करने में, क्योंकि जब भी तुम मॉड्यूल के अंदर फंक्शन को कॉल करोगे तुमको बार बार उस मॉड्यूल का नेम टाइप करना होगा। तुम चाहते हो कि उस लंबा इतना सा कॉम्प्लेक्स नेम को तुम छोटा सा एक इजी नेम असाइन कर दो और उस इजी नेम के साथ उसको बार बार तुम कॉल करो, तो वही बात होता है, इसीलिए हम लोग इसको रीनेम कर लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो ये सिंपल नेम है, लेकिन कभी कभी जो इनबिल्ट मॉड्यूल होता है, सिस्टम बिल्ट मॉड्यूल होता है या लाइब्रेरी होता है, वो सब उसका नेम, मॉड्यूल का नेम जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कभी कभी हो सकता है, अपना मर्जी है, चाहे तो करो ना करो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया एस डी, मतलब उसको रीनेम करते हुए इस फाइल को मैंने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट किया। तो ये हुआ बात, ठीक है। और अगर इसको रीनेम नहीं करेंगे और रीनेम ना करते हो, अगर तुम इस तरह से करोगे तो ये गलत होगा, ये एरर होगा, देखो यहाँ पे डी एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तुमको क्या लिखना पड़ेगा, डाटा लिखना पड़ेगा। तो अगर रीनेम कर दोगे तो तुमको उस रीनेम कर दोगे तो तुम उस तुमको क्या करना पड़ेगा, इसी नेम से उसको कॉल करना पड़ेगा। अभी देखो डाटा डॉट एरर आ रहा है क्योंकि रीनेम कर दिया ना इसको, तो इसी से इसको कॉल करना पड़ेगा। तो ये होता है रीनेमिंग ए मॉड्यूल। देखिए मैं यहाँ पे ये कर दिया डी, अभी एरर चला गया, दैट्स ऑल। तो आई थिंक तुमको समझ में आ चुका होगा ये नेमिंग मॉड्यूल का रीनेमिंग क्या है, मतलब एक एलियाज है, एलियाज, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अभी जैसे ये तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो है मॉड्यूल, जो है मॉड्यूल जो है ये यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, यूजर डिफाइंड मतलब जो यूजर है, मतलब मैं यूजर हूँ, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे मॉड्यूल को क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा होता है कि बिल्ट इन मॉड्यूल भी होता है, ठीक है, बिल्ट इन मॉड्यूल भी होता है। तो उन बिल्ट इन मॉड्यूल्स को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, वही सिंपल तरीका है, वही चीज़ है, बस उस इंपोर्ट लिखना होता है और उस बिल्ट इन मॉड्यूल का नाम लिखना होता है, बस तुमको यही पता होना पड़ेगा कि वो मॉड्यूल का नेम क्या है। यहाँ पे तो हम लोग खुद बना रहे हैं इसलिए इसका नेम पता है, लेकिन बिल्ट इन मॉड्यूल को तुमको नेम पता होना पड़ेगा पहले से ही, जहाँ से भी तुम उसको इन्फॉर्म पता करो, लेकिन पता होना पड़ेगा, उसके बाद उस मॉड्यूल का नाम दे। से फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ तुम लोग को यहाँ पे, जैसे मैं एक बिल्ट इन मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूँ मैं, ठीक है, पहले तो मैं इसको यहाँ, और एक चीज़ है, तुम एक एप्लीकेशन में मल्टीपल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया और मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, मैं इसमें और भी मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, मल्टीपल मॉड्यूल। अच्छा, तो मैं वन ऑफ द बिल्ट इन जो है मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ, जैसे प्लेटफॉर्म, यहाँ पे प्लेटफॉर्म एक तरह का बिल्ट इन मॉड्यूल है, मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्रिएट नहीं किया, बिल्ट इन है। अच्छा चलो, अभी इसके अंदर एक फंक्शन है, उस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, यूज करेंगे। तो फंक्शन का नाम क्या है, तो इसके अंदर जो भी फंक्शन है उसको अगर यूज करना है तो पहले मॉड्यूल का नेम डॉट देना पड़ेगा। तो इसके अंदर बहुत सारा फंक्शन है, उसमें से मैं जो सिस्टम फंक्शन है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये आ रहा है सिस्टम, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे सिंपली ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम शो करेगा, तो जो भी होगा मैं उसको डायरेक्ट प्रिंट कर दे रहा हूँ, मतलब ये जो भी रिजल्ट रिटर्न करेगा उसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट। चलो इसको रन करके मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या रहा है, विंडोज, मतलब ये सिस्टम का जो ओएस है वो रिटर्न कर रहा है, बस कुछ नहीं है।
तो यहाँ पे जस्ट मैं तुम लोग को ये बोल रहा हूँ कि ये जो है ये क्या है, बिल्ट इन मॉड्यूल है, प्लेटफॉर्म मैंने नहीं बनाया, बिल्ट इन है, और इसको मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया। इम्पोर्ट करने के बाद इसके अंदर जो भी फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है। बस उस मॉड्यूल का नेम, और जैसे डाटा का मुझे मॉड्यूल फंक्शन यूज करना तो डाटा डॉट लिखना पड़ेगा, डाटा डॉट शो, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ पास कर दूँ, जैसे मैंने दे दिया समथिंग एडी लिख दिया, तो देखो यहाँ पे विंडोज आ रहा है, उसके बाद एडी आ रहा है, तो मल्टीपल मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट किया, मल्टीपल मॉड्यूल का फंक्शन को मैं यूज कर रहा हूँ, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, बिल्ट इन मॉड्यूल का पार्ट। अच्छा, एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारा फंक्शन होता है, जैसे इस मॉड्यूल के अंदर फंक्शन कितना है, एक है, दो है, और क्या है, एक वेरिएबल है। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ इधर उधर कर दिया, चलो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। अभी अभी क्या किया, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा एक मॉड्यूल के अंदर हो सकता है कि मल्टीपल फंक्शंस हो, वेरिएबल्स हो। अभी देखो मुझे पता नहीं है, हाँ अभी यहाँ पे तो पता है डाटा जो मॉड्यूल है हम लोग बनाया इसलिए हम लोग को पता है, लेकिन ये जो सिस्टम मॉड्यूल है, ये तो प्लेटफॉर्म मॉड्यूल है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन तुमको पता नहीं है, तो तुम देख सकते हो उसको, तुम चाहे तो इसको देख सकते हो। चलो पहले मैं एक बार यहाँ पे करके दिखा दूँ, तो किसी भी मॉड्यूल के अंदर क्या क्या अवेलेबल फंक्शंस है या तो वेरिएबल्स तुमको जानना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम हो गया डी आई आर फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है, डी आई आर फंक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, ये मॉड्यूल के अंदर जो भी तुम्हारा मतलब क्या होता है कि फंक्शन या तो वेरिएबल नेम होता है उसको तुमको यहाँ पे शो कराता है। तो यहाँ पे हम लोग डी आई आर लिखेंगे, उसके बाद डी आई आर लिखने के बाद जिस भी मॉड्यूल का अंदर का तुमको मतलब मेंबर का पता करना है तो उस मॉड्यूल का नाम दे दो, जैसे मॉड्यूल का नाम क्या, डाटा है, या डाटा इज वन ऑफ द मॉड्यूल्स जो कि हम लोगों ने बनाया है। तो ये क्या करेगा, उसके अंदर जितना भी फंक्शंस का फंक्शन है या तो जो भी मेंबर है उसको रिटर्न करेगा, और रिटर्न जब करेगा तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इसको मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, और मैं क्या कर दिया, फाइनली इसको मैंने प्रिंट कर दिया, यानी कि हमको पता नहीं चलेगा ना जब तक तो प्रिंट नहीं करोगे, तो मैंने इसको प्रिंट कर दिया। तो प्रिंट करते ही यहाँ पे देखो, इसको रन करते हैं हम लोग, एक बार इसको रन करते हैं, तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे नोटिस करो, अभी ये जो है डाटा मॉड्यूल है इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या वेरिएबल्स है यहाँ पे शो होगा। देखो इन सबको छोड़ दो, ये तो ये डिफॉल्ट में आता है, ठीक है। तुम अगर इधर इसको स्क्रॉल करोगे जो हम लोगों ने बनाया है वो शो करेगा। देखो ये हम लोगों ने क्या बनाया है, शो बनाया है, स्टूडेंट बनाया है, ये सब साम बनाया है, तो शो कर रहा है यहाँ पे। ये सब छोड़ दो, ये डिफॉल्ट में रहता है, ये आता है डिफॉल्ट में ये सब नेम। तो बस जो मैंने बनाया है, जो हम लोगों ने बनाया है उसको देखो क्या क्या है, जैसे हम लोगों ने क्या बनाया है, शो फंक्शन, सम फंक्शन, ठीक है, स्टूडेंट वेरिएबल, मतलब जो मेंबर है मेंबर का नेम यहाँ पे शो कर देगा तुमको, एक एक मेंबर हो गया, ये दो मेंबर हो गया, तो इन सब मेंबर का नेम यहाँ पे शो कर देता है। तो ये डी आई आर फंक्शन का बेनिफिट यही है, अगर तुमको किसी मॉड्यूल के अंदर फंक्शन या तो जो भी है उसका नेम पता नहीं है तो तुम यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे समझ लो कि ये जो प्लेटफॉर्म वाला मॉड्यूल है उसके बारे में पता करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा प्लेटफॉर्म, मैंने यहाँ पे लिखा प्लेटफॉर्म, बस। तो यहाँ पे इसको रन करेंगे तो प्लेटफॉर्म के अंदर क्या क्या है, जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर थोड़ा देर पहले हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, सिस्टम जो कि यहाँ पे है, देखो यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं तुमको सिस्टम का नेम मिल जाएगा, सिस्टम के लिए एस होता है तो डेफिनेटली ये एकदम लास्ट में होगा आई थिंक, सिस्टम के लिए एस एस, तो इधर ही देखो कहीं पे, हाँ ये पी क्यू आर आर, ये देखो यहाँ पे आ गया, देखो ये सिस्टम, देखा ना। तो हम लोगों ने थोड़ा देर पहले सिस्टम यूज़ किया था, तो इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारा है, देखो ये सब रिलीज आ रही जो भी है, ये सब सिस्टम्स आप बहुत सारा है यहाँ पे, तो इसके अंदर ये सब कुछ बनाया बनाया फंक्शंस है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो तुमको ये पता होना पड़ेगा कि वो फंक्शन क्या करता है, जब तो पता नहीं होगा तो उसका यूज़ करके फायदा नहीं है। तो पता कैसे करोगे, देखो ये कुछ भी चीज़ें अगर पता करना है तो इसका जो पाइथन का जो इनका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन साइट है वहाँ पर जाकर तुम उसको स्टडी कर सकते हो। फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो अभी जस्ट मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर करना है। तो यहाँ पे मैंने तुम लोग को ये एक फंक्शन के बारे में बोल दिया, ठीक है, जो कि क्या करता है कि मॉड्यूल के अंदर जो भी अवेलेबल मेंबर्स है वो सबके बारे में यहाँ पे शो करता है। अच्छा, एंड ऑलमोस्ट मैं जितना तुम लोग को बोलना है मॉड्यूल के बारे में मैंने बोल दिया, और एक दो बात बाकी है, मैं उसको कंप्लीट करते हुए मैं आज फिनिश करूँगा। बात ये है कि देखो जब भी हम लोग किसी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते हैं, यहाँ पे देखो जैसे मैं यहाँ पे जब भी हम लोग किसी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते हैं तो होता क्या है, मैं इसको जो सिस्टम में जो बिल्ट है उसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। जो जब भी किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट डाटा मतलब उस मॉड्यूल का नाम है, तो इससे होता क्या है, इसके अंदर जितना भी मेंबर है सब यहाँ पे अवेलेबल एक्सेसिबल हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मॉड्यूल के अंदर सबको मुझे एक्सेस नहीं करना है, ओनली स्पेसिफिक एक या दो या तो किसी एक पर्टिकुलर मेंबर को ही मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो इंपोर्ट कीवर्ड यूज नहीं करना है, मुझे यहाँ पे दूसरा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा और इंपोर्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन पहले मुझे लिखना पड़ेगा फ्रॉम, लिखना पड़ेगा फ्रॉम, आई हैव टू यूज फ्रॉम कीवर्ड। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम डेटा, उसके बाद मैं लिखूंगा इम्पोर्ट, और उसके बाद कौन सा मॉड्यूल तुमको इम्पोर्ट करना है, जैसे डेटा के अंदर मुझे कौन सा है, समझ लो कि मुझे शो इम्पोर्ट करना है,
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शो, तो इस तरह से, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया तरीका। तो इससे क्या हुआ, डेटा मॉड्यूल के अंदर जो शो फंक्शन है मैं उसी को ही इम्पोर्ट कर रहा हूँ, बाकी सबको मैं यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ये होता है तरीका। अच्छा अभी अभी देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इसको, मैं क्या, ये जो शो फंक्शन, इसको मैं कॉल करूंगा, ठीक है, शो फंक्शन का मैं पे कॉल कर रहा हूँ। एंड इसमें मुझे बस एक नेम पास कर देना है, मैंने पास कर दिया अनिल, तो इसको मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, तो देखो ये अनिल प्रिंट हो गया, क्योंकि प्रिंट करने का काम तो यहाँ पे हो रहा है ना। अगर देखो मैंने क्या किया, शो को इम्पोर्ट किया, लेकिन इसमें और भी तो फंक्शन है ना, जैसे सम फंक्शन है, या तो ये जो है ये भी है। तो यहाँ पे देखो सम फंक्शन को अगर मैं कॉल करूँ, तो सम फंक्शन को अगर मैं कॉल करूँ, तो ये एक्चुअली उसका सम नहीं है, ठीक है, ये इसका, ये इसका बात नहीं हो रहा है, या तो स्टूडेंट समझ लो, ये जो है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट, क्या दिया था मैंने ये वेरिएबल का नाम, हाँ स्टूडेंट, स्टूडेंट। उसके बाद जैसे अभी देखो यहाँ पे इरर आएगा, डेफिनेटली आएगा, ये तो यहाँ पे इरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने उसको कम्प्लीटली, मैंने पूरा का पूरा मॉड्यूल को मैंने इम्पोर्ट नहीं किया, इसलिए अभी यहाँ पे इरर दिखा रहा है, ठीक है। ये स्टूडेंट लिख, इस तरह से लिखने से इरर दिखा रहा है, क्योंकि मैंने फ्रॉम एक ही, सिर्फ एक ही फंक्शन को मैंने इम्पोर्ट किया है, ये वाला सही है, लेकिन यहाँ पे इरर दिखा रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डेटा, डेटा, ठीक है, तब भी यहाँ पे क्या है, इरोर है, समझ में आ रहा है, देखा ना, यहाँ पे अभी भी इरोर दिखा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दूँ, क्या मैं यहाँ पे इस तरह से कर दूँ, ये इम्पोर्ट आई एम क्यू आर टी इम्पोर्ट कर दूँ, ठीक है, अभी मैंने इम्पोर्ट डाटा कर दिया, तो अभी ये सही हो गया, ये गलत हो गया। देखो जब हम लोग नेम से इम्पोर्ट, पूरा मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते हैं, मतलब पूरा मॉड्यूल को जब इम्पोर्ट करते हैं, तब मॉड्यूल का किसी भी मेंबर को एक्सेस करने के लिए मॉड्यूल नेम डॉट द मेंबर नेम देना पड़ता है, ये तरीका होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और जब डायरेक्ट हम लोग मॉड्यूल के अंदर किसी पर्टिकुलर मेंबर को इंपोर्ट कर लेंगे, तो मॉड्यूल नेम देने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम डेटा, और उसके बाद इम्पोर्ट मैंने क्या दिया शो, तो यहाँ पे तुमको इस बार ये तो काम नहीं करेगा, डेफिनेट सा बात है, यहाँ पे इस बार तुमको डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसका नाम दे दो, हो जाएगा, काम चल जाएगा, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर उसी मेंबर को इम्पोर्ट किया है इसीलिए। तो ये हो गया बात। तो इतना सही था आज का क्लास में टॉपिक में, मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट मैंने तुम लोग को क्लियर करा दिया, तो ठीक है। तो ये आज का क्लास मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ, एंड तुम लोग ये सब प्रैक्टिस कर लेना घर में, ठीक है, ओके बाय।